फ्रेंड्स, हमारे चैनल रानीस क्रिएटिव में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिल्ड्रन स्पेशल बर्गर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बर्गर बनाने के लिए मुझे बॉइल पोटैटोस, पत्ता गोभी, खीरे की स्लाइसेस, प्याज की स्लाइसेस, कटा हुआ हरा धनिया, टमाटो स्लाइसेस और यहाँ पे चॉप्ड प्याज और साथ ही साथ चॉप्ड हरी मिर्च। और सॉस में हमने लिया है टमाटो सॉस, मोज़रेला चीज़, बर्गर सॉस और साथ में मेयोनीज और सबसे मेन बर्गर बन। तो सबसे पहले हम हमारे आलू को मैश कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल गरम करेंगे और उसमें एक चम्मच जीरा डाल देंगे। अब हम हमारी चॉप्ड अनियंस यानी कि चॉप्ड प्याज को डाल देंगे और साथ ही साथ इसमें हरी मिर्च भी डाल देंगे। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देंगे। तो फ्राई होने के बाद अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देंगे और साथ ही साथ हम इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें हमारे मैश किए गए आलू को डाल देंगे और उनको अच्छे से मिला लेंगे। तो हमारा मसाला मिल चुका है। तो अब हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो अब हम एक ब्रेड लेंगे और उसको कुछ इस तरह गीला कर लेंगे और उसको कुछ इस तरह स्क्वीज करके हमारे आलू में मिला लेंगे। तो अब हम इस आलू की छोटी छोटी टिक्कियां बना लेंगे। और उसको इस तरह सेक लेंगे। इस तरह हम सारी टिक्कियां बनाकर सेक लेंगे। इनको मैं हल्का सा क्रिस्पी होने तक सेकना है। तो हमारी टिक्कियां सिक चुकी हैं, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब हम एक पैन लेंगे और उसमें अच्छे से बटर को ग्रीस कर लेंगे और इसमें अब हम बर्गर बन को रख लेंगे। अब इन पे हम टमाटो सॉस और बर्गर सॉस को लगा लेंगे। अब हम मेयोनीज को लगा लेंगे। मेयोनीज को हम जितना लगाएंगे बर्गर के साथ उतना ही अच्छा आएगा। अब इसमें हम मोज़रेला चीज़ को अच्छे से लगा लेंगे। अब इसमें हम हमारी आलू टिक्कियों को रख देंगे। अब हम हमारी आलू टिक्की के ऊपर हम खीरा रख देंगे और फिर उसके बाद हम इसमें टमाटर रख देंगे। अब हम इसके ऊपर प्याज रख देंगे। अब हम हमारी पत्ता गोभी को रख देंगे और फिर हम इन दोनों बन को मिलाकर सेक लेंगे। हम इनको दोनों तरफ से सेक लेंगे और अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इनको सर्व कर लिया है। तो आप देख सकते हैं हमारी जो मोज़रेला चीज़ है वो एकदम पिघल चुकी है और ये खाने में भी कितना टेस्टी लग रहा है। और आप देख सकते हैं ये दूसरा वाला बर्गर, इसकी तो मोज़रेला चीज़ बाहर आ चुकी है। ये बहुत टेस्टी लग रहा है खाने में। तो आइए आप इनका मज़ा लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमने हमारे सारे बर्गर्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये खाने में कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी घर पर इसी तरह बर्गर बनाइए और उनका मज़ा लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की बर्गर की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल रानीज़ क्रिएटिव होम को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।